हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता रही हूँ जो हमारा ये एम्ब्रॉयडरी है यहाँ गले पे, और हमने ये सूट गर्मियों में डालना है और इसे हमने लाइनिंग नहीं लगानी, बट जो इसका बैक साइड है वो चुभती है ऐसे, इसको हमने कवर करना है, बट हम लोग पूरे पे लाइनिंग नहीं लगाएंगे और इसके नेक को हम लोग आपको ऐसे कवर करना, आज मैं आपको बता रही हूँ हम लोग कैसे इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये जो तिल्ला है वो शरीर को काटता है और चुभता है, तो इसमें हम लोग इसी पीस में इतने में लाइनिंग लगाएंगे। ऐसे हमने एक वेस्ट कपड़ा इसी के साथ का ले लिया है, जैसे हम लोग हमारा कपड़ा कम था मैंने इसमें जोड़ डाल लिया, ऐसे एक लंबाई में पीस तैयार कर लिया। अब इसे कवर करेंगे, ऐसे हम लोग इसे ऐसे कवर करेंगे। मैंने इसका जो एम्ब्रॉयडरी है इसे पूरा ढक दिया है ऐसे। अब इसे सीधा करेंगे ऐसे। ऐसे मैंने कपड़ा रख लिया। अब यहाँ पर इसका निशान लगा देंगे, यहाँ पर और इस साइड भी ऐसे निशान लगा देंगे, और इस पे थोड़ा हम लोग कच्चा करेंगे कि ये कपड़ा बाद में हिले ना। चाहे तो जो हम कच्चा कर रहे हैं वो सुई के साथ कच्चा कर सकते हैं, अदरवाइज मशीन के साथ भी कच्चा कर सकते हो। मैं ऐसे मशीन के साथ इस पे कच्चा डालूंगी। ऐसे मैंने निशान पे रखा और जो इसके स्टोन्स है इससे थोड़े दूरी पे मैं इसे कच्चा करूंगी। ऐसे मोटे बकिए के साथ मैंने इसको कच्चा कर देना है, सारे में कच्चा कर देंगे ऐसे। ऐसे मैंने इसको कच्चा कर दिया है, जैसे मैं आपको यहाँ एम्ब्रॉयडरी है यहाँ से दिखेगा नहीं, मैं आपको उल्टी साइड से दिखाऊंगी कि हमने कच्चा किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैंने कच्चा कर लिया है। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे। ऐसे पहले हम लोग इसका नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए हम इससे थोड़ा थोड़ा आधा इंच ऐसे यहाँ से हम लोग कटिंग करेंगे, और बाद में इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई के साथ भी इसे नेक को बना सकते हैं। ऐसे हमने गले की कटिंग करनी है और यहाँ पर थोड़े थोड़े कर्स हम लोग लगा लेंगे यहाँ पर कि अच्छे से फोल्ड हो जाए। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पे कर्स लगा लेंगे। हम लोग को ये गला थोड़ा डीप है, इसलिए हम लोग यहाँ से इसे बंद कर देंगे और इसे फोल्ड करेंगे। अब इसे कच्चा डालेंगे। ऐसे मैंने उल्टी साइड से थोड़े से कच्चा कर दिया। ऐसे गला बन गया है। इसे जो थोड़ा बहुत यहाँ पर रह जाएगा ये वाला, इसे हम लोग तुरपाई के साथ सेट कर देंगे यहाँ पर। अब हम इसकी जो कढ़ाई है इस पे निशान लगाएंगे ऐसे। जैसे हमारी ये पर यहाँ पर कढ़ाई फिनिश हो रही है, और यहाँ से हमने 1 इंच कपड़ा रखना है यहाँ से, और इसे बाद में कट कर देना है। यहाँ से पूरा कपड़ा मैं निकाल दूंगी, ये जैसे मैंने यहाँ पर रखा है ऐसे ऐसे इसको कपड़े को रखना है। अब हम इस पे कच्चा करेंगे। चाहे तो आप ऐसे पिनअप भी कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा। अगर आपके पास ओवरलॉक का कोई सिस्टम नहीं है तो आप इसे ऐसे ऐसे करके सिलाई भी लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इंटरलॉक करनी है तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी और सीधी साइड से मैं इसे सिलाई करूंगी। जैसे हमारी ये कढ़ाई है हम इस पे सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है और बिल्कुल भी पता नहीं लगता। ऐसे ऐसे मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। ऐसे ये देखिए, बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं लगता। यहाँ पर हम लोग इसे इंटरलॉक कर देंगे यहाँ पर।
See, ये अब हमारी ये कच्चा है, हम इसे निकाल देंगे। हम इसे गर्मियों में भी बियर कर सकते हैं जैसे, और ये कढ़ाई हमें चुभेगी भी नहीं। तिल्ला ऐसे कवर हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू।